वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आज हम एक्सटेंशन बोर्ड बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास दो सॉकेट पड़े हुए हैं, एक बटन है, एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर जो बताएगा कि बिजली इसमें मौजूद है, और बटन पे हम दो सॉकेट, इन दोनों सॉकेट को कंट्रोल करें। तो आइए हम देखते हैं। पहले तो मुझे इंडिकेटर को इसमें फिट करना है, इन चारों को फिट करना है इसमें। तो ये इसके ब्लड, जैसे कि हमने सॉकेट्स, बटन और इंडिकेटर हमने लगा लिए हैं, ये फिट हो चुके हैं। अब हमको इसमें वायरिंग करनी है, जिसमें हमने ब्लैक को अर्थ के लिए इस्तेमाल करना है और फेस के लिए ब्लैक रेड को। तो पहले मैं अर्थ के लिए ब्लैक को उठाऊंगा, तो इसके लिए पहले मैं अर्थ को फिट करूंगा। जैसे कि दोस्तों ये अर्थ की वायरिंग हो चुकी है, अभी हमको फेस की वायरिंग करनी है। तो आए देखते हैं, फेस की वायरिंग करते हैं। तो पहले फेस को दोस्तों ये फेस डायरेक्ट इसमें आ रहा है बटन पे, तो फेस को भी कंट्रोल करना है। ये नीचे वाला कंट्रोल है, जैसे कि ये मैंने मुकम्मल वायरिंग कर चुका है, मैंने किया है कि आप देख सकते हैं कि जो ये अर्थ से ये डायरेक्ट आ रहा है इन दोनों सॉकेट पे और इंडिकेटर पे। तो देखें आप, ये ब्लैक वायर जो है ये अर्थ से ये डायरेक्ट आ रहा है, ये बटन पे नहीं आ रहा है। और ये जो फेस है ये यहाँ से ऊपर बटन पे आ रहा है, और नीचे आउट के साइड से होते हुए सॉकेट पे जा रहा है। जैसे कि दोस्तों ये फिटिंग मुकम्मल हो चुका है, आप गौर से देख सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है। और अब हमको इसको मेन लाइन की फिटिंग देनी है। तो मेरे पास एक अर्थ का है ब्लैक में और रेड फेस का है। तो आप देख सकते हैं कि मेन लाइन के हमने वायर्स हमने कनेक्ट किए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है चलाने के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं कि हम फेस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं बटन पे। तो यहाँ से फेस डायरेक्ट आ रहा है बटन पे, बटन के बाद जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से ये गुजरता हुआ इन दोनों सॉकेट्स पे आ रहा है। वायरिंग पे ज़रा आप गौर करें,
और जो ये अर्थ है ये डायरेक्ट इन दोनों सॉकेट्स पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा अब काम मुकम्मल हो चुका है, अब इसको फिटिंग करना है। फिटिंग के बाद आपको हमको टेस्ट करवाना है। फिटिंग का निशान है, जैसे कि दोस्तों हमने एक्सटेंशन बोर्ड को हमने पावर दिया है, इंडिकेटर भी चल रही है, इसका मतलब कि पावर इसमें आ रही है। तो हमने इन दोनों सॉकेट्स को इस बटन पे कंट्रोल किया है। अभी आप देखते हैं कि टेस्टर का बत्ती नहीं जलता है, इसका मतलब कि पावर नहीं आ रहा है। तो हम बटन को जैसे ही खोलते हैं तो इस पर पावर आना शुरू होता है, इसका मतलब कि हमने फिटिंग से